सर्वेभ्यः जय श्री कृष्णा। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग, मजे में हो गए? तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 6 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आकाश पतति, यानी कि उसका मीनिंग होता है कि आकाश गिर रहा है। आकाश पतति यानी कि आकाश गिर रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है? आकाश गिर रहा है। कभी आपने ऐसा सुना है कि आकाश गिरता है? नहीं ना, कभी सत्य हो ही नहीं सकता कि आकाश अपने आप ऐसे गिरने लगे। ऐसा होता है कभी? तो ऐसा कभी होता नहीं है। देखो बच्चे, संस्कृत साहित्य में दो बड़े ग्रंथ हैं, एक का नाम है हितोपदेश और दूसरा का नाम है पंचतंत्र। हितोपदेश एवं पंचतंत्र ये दोनों ऐसे ग्रंथ है कि इस दोनों ग्रंथ की विशेषता ये है बच्चे कि भारत की नहीं, मैं ऐसे बोलूं कि विश्व की सारी भाषा या ज्यादातर भाषा विश्व में जो बोली जाती है, उन सभी भाषाओं में प्रमुख इन दोनों का ट्रांसलेशन हुआ है, यानी कि इंग्लिश में भी हुआ है, गुजराती में भी हुआ है, हिंदी में भी हुआ, संस्कृत में तो वही है। तो सभी भाषा में इन दोनों ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ है। अब हमें मन में विचार आता है कि भाई इस ग्रंथ में ऐसा क्या है कि सभी भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसकी विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस दोनों ग्रंथों में केवल क्या है, तो केवल प्राणी कथाएं है। क्या है? प्राणी कथाएं, पशुओं की कथा, प्राणियों की कथा। तो हमारे मन में तुरंत ही ख्याल आता है कि प्राणी कथा में क्या रखा है। ये जो विष्णु शर्मा नामक आचार्य है जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, और नारायण पंडित नामक जो आचार्य है उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, इस दोनों आचार्यों ने ये ग्रंथ में पशु कथा के माध्यम से हमें इतने सारे बोध दिए। इसके बारे में एक सुप्रसिद्ध वार्ता है, कथा है कि एक राजा थे, राजा के चार बेटे थे, चारों बेटे अज्ञानी थे, यानी कि राजकुमार बनने के लायक नहीं थे। उसमें राजा बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान उसके पास नहीं था, तो ये दोनों आचार्यों ने सिर्फ और सिर्फ 6 माह में, यानी कि 6 मास में, 6 महीने में पूरा ये प्राणी कथा सुनाते सुनाते उसको राजकुमार से भी ज्यादा ज्ञानी बना दिया। जो अज्ञानी थे उसको पूरी तरह से ज्ञानी बना दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस प्राणी कथा में प्राणी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ बोध मिलता है। कभी हास्य भी मिलता है, कभी उसमें से कुछ जरूरी ऐसा ज्ञान मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, ऐसा ज्ञान जो हमारी लाइफ चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी ये 6वीं कक्षा में चैप्टर नंबर 2 में एक ऐसी प्राणी कथा है जिसका नाम है आकाश पतति, यानी कि आकाश गिर रहा है। अब सुनने से तो ऐसा लगता है कि भाई आकाश कभी गिरता है? कभी नहीं गिरता, आकाश कभी गिर ही नहीं सकता। फिर भी इस शीर्षक का नाम है आकाश पतति, यानी कि इस शीर्षक में, इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, उसमें क्या है, उसमें प्राणी कथा है, छोटी सी। कैसी कथा है मैं आपको सुनाता हूं।
आपको भी मालूम है कि जब हमारा कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम पीपीटी वीडियो के माध्यम से उसे जानने की कोशिश करते हैं, बाद में हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी हमको पूरी तरह से और अच्छी तरह से याद रह जाती है ना। तो हम स्टोरी कह रहे हैं, एक जंगल है, क्या है, एक जंगल है और जंगल में एक खरगोश रहता है। खरगोश रहता है, वो क्या होता है कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। खरगोश एक दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से एक पेड़ का पर्ण यानी कि उसका पौधा गिरता है, पेड़ का एक पर्ण गिरता है और पर्ण वो खरगोश के ऊपर गिरता है और खरगोश भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अचानक वो तो नींद में सो रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, वो एकदम डर जाता है, मन में भय उत्पन्न होता है और वहां से क्या करता है तो भाग जाता है, दौड़ता है। और उसको क्या लगा कि मेरे पर आकाश गिर रहा है, उसको क्या लगा मेरे पर आकाश गिर रहा है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। गिरा था क्या असल में, तो असल में एक पर्ण गिरा था, पेड़ का एक पत्ता गिरा था और पत्ता गिरा और वो डर गया, वो तो सोया हुआ था और भाग गया। जब वो भागता भागता दौड़ता दौड़ता आगे निकल रहा था तब उसको रास्ते में एक सुगाल मिलता है, सुगाल मिलता है। तो सुगाल जब उसको मिलता है तो उसको बोलता है वो खरगोश, सुगाल भैया जल्दी से आप भी भागो। सुगाल बोलता है क्या हुआ, तो खरगोश बोलता है कि आकाश गिर रहा है, आकाश हमारे पर गिर रहा है, आप जल्दी से भागो। इतना कहके वो खरगोश भागने लगा और उसके पीछे पीछे सुगाल भी भागने लगा। आगे खरगोश पीछे सुगाल, वो दोनों भागते चले जा रहे हैं। जब वो दोनों भागते चले जा रहे हैं तो उसको रास्ते में एक बंदर मिला, उसको पूछता, बंदर उस दोनों को रोकता है और पूछता है कि आप दोनों इतने जल्दी से कहां भाग रहे हो, क्या हो रहा है, हमारे जंगल में कुछ हुआ है, कुछ नहीं आया है, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों, भाग क्यों रहे। तब खरगोश ने बताया, बंदर भैया आप भी भागिए, आप भी चलिए, क्यों, तो के आकाश गिर रहा है, आकाश पतती और आकाश जब गिरेगा हमारे ऊपर तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम भाग के जा रहे हैं, जहां आकाश नहीं गिरता है वहां हम रुकेंगे, आप भी भागो वरना आप भी आकाश के नीचे आ जाओगे, आपको भी प्राण गंवाना पड़ेगा। ऐसा कहकर खरगोश भागा, इसके पीछे सुगाल भागा और इसके पीछे बंदर भी भागने लगा। अब वो तीनों भागने लगे, आगे खरगोश, उसके पीछे सुगाल और उसके पीछे बंदर, तीनों भागने लगे। जब भागते दौड़ते जा रहे थे तो रास्ते में उसको जंगल का राजा मिला। कौन मिला, एक जंगल का राजा। जंगल का राजा किसे बोलते हैं मालूम है ना सभी को, सिंह, किसे बोलते हैं, सिंह को। तो वो जंगल का राजा मिला लायन और उसने उस तीनों को रोका, रुक जाइए, आप इतनी जल्दी से इतनी स्पीड से कहां भागे जा रहे हो, क्या हुआ, अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं राजा हूं इसका कुछ हल निकालता हूं ना, आपको मेरे होते हुए यानी कि राजा के होते हुए कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए। तब खरगोश ने कहा, ए राजा, वहां जंगल में जहां मैं रहता था वो पेड़ के नीचे वहां आकाश गिर रहा है। सिंह भी आश्चर्यचकित हो गया, देखने लगा वो कैसे होता है,
आकाश कभी गिर सकता है? आकाश कभी भी गिर नहीं सकता है। तो फिर ये क्या हुआ? तो वो खरगोश को बोलता है, चलो मुझे दिखाओ कहां आकाश गिर रहा है, कभी आकाश गिर सकता है? सिंह खरगोश को बोलता है, कभी आकाश गिर सकता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, चलो अब मेरे साथ चलो, आप मुझे बताओ कहां आकाश गिर रहा है। फिर वो तीनों रुके और वापिस चले। कौन तीनों? सुगाल, खरगोश और बंदर, और चौथा कौन था? जंगल का राजा। वो चारे चार, वो चारों वापिस आए कहां? जहां जिस पेड़ के नीचे खरगोश सोया था, और उसके ऊपर क्या लिया था? तो पेड़ का पत्ता लिया था, एक पर्ण लिया था। उस जगह पे आए और सिंह ने पूछा कि भाई खरगोश, आप बोल रहे थे कि आकाश गिर रहा है, आकाश वह पतती, अब मुझे बताओ यहां किस जगह पे आकाश गिर रहा है? यहां तो कुछ गिर नहीं रहा है, यहां तो आकाश ऊपर ही है। अब जितने जहां जहां भागे, जहां जहां दौड़ के गए, वहां कहीं भी आकाश नहीं गिरा। तब खरगोश, खरगोश को क्या होता है? तो खरगोश कुछ बोलता नहीं। वास्तव में तो कुछ आकाश गिरा ही नहीं था, वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में तो पर्ण गिरा था। तो खरगोश कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वहां से चल भागता है, भाग जाता है। सिंह के डर से वो भाग चलता है और सिंह भी बाद में वहां से चला जाता है, और बंदर और सुगर वो भी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तो बच्चे इस कहानी में क्या है? तो कि इस कहानी में एक खरगोश है, वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। क्यों भयभीत होता है? तो कि उसके ऊपर एक पेड़ का पत्ता गिरता है। एक पेड़ का पत्ता गिरने से वो तो नींद में था, सोया हुआ था बिल्कुल आराम से, और जब वो पत्ता गिरा तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पर आकाश गिर रहा है। आकाश तो कभी गिरता नहीं, और वो तुरंत ही भयभीत होकर भाग चला, दौड़ने लगा। और बाद में उसके सुगल मिला, तो सुगल को वो बोला कि आकाश गिर रहा है, आप भी भागिए। तो वो दोनों भागने लगे। बाद में बंदर मिला, उसने बंदर को भी बोला कि भाई आकाश गिर रहा है, तो वो तीनों भागे। बाद में जंगल का राजा मिला, उसने कहा भागने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कहां आकाश गिर रहा है। तब वो वापिस आए, जब देखा तो कुछ गिर रहा नहीं था, जब था जैसा था वैसा ही मिला वहां। फिर वहां से खरगोश भाग जाता है। तो इस वार्ता में क्या है? तो इस वार्ता में हास्य है, और इस वार्ता से हमें क्या मिलता है बोध? तो कि इस वार्ता से हमें ये बोध प्राप्त होता है, कभी भी जीवन में अपने आप जो कभी न होने वाला हो, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। क्या बोध मिलता है? कि जिंदगी में जो कभी होने वाला ही नहीं है, जो असंभव है, वो कभी हमें सोचना नहीं चाहिए। आकाश कभी गिरता ही नहीं है ना, आकाश कभी गिरता नहीं है, तो वो असंभव है। तो वैसी असंभव चीजें हमें कभी मन में, विचार में भी लानी नहीं चाहिए। अगर ऐसी हम विचार में लाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें डर प्राप्त होगा, हमें भय प्राप्त होगा। तो किसी भी तरह से ऐसी असंभव बातें कभी हमारे ख्याल में भी नहीं लानी चाहिए, और ऐसी असंभव बातों से हमें डरना भी नहीं चाहिए। जब खरगोश ने बताया तो सुगल भी डर के भागने लगा। कभी कई बार कैसा होता है कि जब कोई हमें बताता है कि ये हो रहा, चलो भागो भागो, तो हम भी कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना उसके साथ भागने लगते, दौड़ने लगते। ऐसा करना नहीं चाहिए, सोच समझ कर जो भी करना है वो सोच समझ कर करना चाहिए, पूरी तरह सोच लेना चाहिए। और अगर सोचते नहीं है तो हम भी सभी के लाइन में आ जाएंगे, हम भी झूठे वादे में, झूठे विचार में आ जाएंगे, और हम भी क्या करने लगेंगे? तो हम भी भागने लगेंगे, हमारे में भी डर उत्पन्न होगा, हम भी भयभीत हो जाएंगे। बंदर ने अभी सुना तो बंदर भी भाग चला। जब सिंह ने यह सुना तो सिंह भागा नहीं वहां से, उसने क्या बोला कि वो तो कभी हो ही नहीं सकता,
बाद में उनको भी पता लगा खरगोश को, श्रृगाल को, बंदर को, क्या किलत में तो वो आकाश कभी गिरता ही नहीं है, है ना, तो हमें डरना चाहिए नहीं। तो इस वार्ता से हमें ये बोध मिलता है कभी भी असंभव बातें कभी सोचनी नहीं चाहिए, और कोई हमें असंभव बातें बताए तो हमें पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बाद में इसका अनुकरण करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को इस चैप्टर की जो कहानी है आकाश और पतंग वो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी कहानी पूरी तरह से आपके चित्त में, आपके मगज में, आपके मन में आ जाए और आपको भी ये कहानी पूरी तरह से याद रह जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम्।